चल चल मुंह खोल, आज तो मेरी सारी सारी एक और बस मैं नहीं खेल रही। तू भाई एक और बस बस मेरी बारी, तेरी बारी क्यों खेलूं? लास्ट टाइम तो तेरा चांस था तो तूने मुझे बारी दी थी, नहीं ना? पीछे जा। ठीक मैं नहीं खेल रहा। क्यों? और तू जानती वैसे भी यार मेरा दिन खराब था, पहले तो गलत पार्किंग, फिर गलत बॉस, फिर गलत बॉटल, मुझे नहीं खेलना। अरे पास तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है, सलकी कहीं का। बैठ। मेरी क्या कर रही सांझ? सांझ तू पागल है क्या? फट्टू गई का। ए फट्टू नहीं हूँ मैं, चने गिर जाते बेचारे। यार राइट, तेरे लिए पंचिंग बैग हूँ ना मैं, मतलब दुनिया की सारी टेंशन किस पे निकालनी है? जस्ट कीप इट। हेलो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ओके। इस वक्त मुझे कौन फोन कर रहा है? ओके वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। हेलो क्या? ओके मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इस माया को छोड़कर। सुबह 8 बजे ऑफिस कौन जाता है? 1 बजे सोने के बाद खुद तो मांस खराटे मार के सो रही होगी। हंस मत। माया 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 बेबी प्लीज ओपन द डोर। माया बेबी आई नो तुम पे क्या बीत रही है। माया मुझे अंदर आने दो प्लीज। माया प्लीज अंदर आने दो। माया प्लीज ओपन द डोर। माया माया बेबी प्लीज ओपन द डोर। माया 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 प्लीज दरवाजा खोलो। माया खोलो बेबी। माया माया खोलो। माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया बेबी आई नो तुम पे क्या बीत रही है, वो तुम्हारे पापा है। माया पापा है, माया पापा है, माया 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 पापा है, माया पापा है, माया पापा है, माया मुझे पहुंचता था। मैं सुबह से 20 फोन लगा चुकी हूँ लेकिन नहीं, उसने अब तक मेरा एक फोन नहीं उठाया। अरे मेरे फोन की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अयान तू ही बता, तूने मेरा फोन उठा लिया लेकिन उसने एक फोन नहीं उठाया। कोई अपने ही दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ही इज जस्ट इम्पॉसिबल। क्यों क्या? फिर लेट हो जाएगा, फिर जॉब से निकाल देंगे, फिर मेरी मन्नत वेस्ट हो जाएगी और फिर 7 चक्कर वापस चलाना पड़ेगा। अयान तू बता, चक्कर चलाने का कोई भी फायदा है क्या? अरे गधे को पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन पानी तो गधे के पास नहीं आ सकता ना। अब उठाओ उस डफर को। क्या पता माया ने ऐसा माया जाल बिछाना है ना कि ना ही वो डूब पाएगा और ना ही वो तैर पाएगा। माया, अर्जुन, माया, ये माया माया का जाप करना बंद कर। और इसमें क्या होता है? हेलो गुड मॉर्निंग, मैंने उसका तेरी पाव भाजी खाने गई है। अयान, अयान, प्लीज उठना, शॉर्ट प्रेस कर दे, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज 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 प्लीज। तुम्हारी शर्ट। बट ये शर्ट तो मुझे पहननी थी नहीं। इट्स ओके। अगर आपने शर्ट प्रेस कर ही दी है तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्ट प्रेस कर दूं? अब तो बाद में बताता हूँ, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बदतमीज आदमी। ना मुन्ना ना कंट्रोल, यहाँ पर पार्किंग करना सख्त मना है। सर यहाँ नहीं, यहाँ पता है तेरी मैडम की पार्किंग है, ले कहीं और कर दे। तुम कल तो यहाँ पे कोई और था, उसका तो हो गया टाटा बाय बाय। व्हाट? पार्किंग ठीक से करवा नहीं पाया, इसके लिए खुद ही बाहर पार्क हो गया। ₹100 पड़ गए भारी। यार शिल्पा, तुम्हारी उस खड़ूस ने उस गार्ड को निकाल दिया। उस बेचारे की गलती भी नहीं थी यार, वो तो मुझे रोक रहा था। तुम मैम की सेक्रेटरी ट्यूसडे वाली? हाँ? जैसे लोग व्रत रखते हैं, तुम्हारी मैम सेक्रेटरीज रखती है, राइट? मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, है ना? ये खड़ूस तो चैनल की तरह लोग बदलती है यार। खड़ूस? कौन खड़ूस? बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑफिस में लेट आने वालों के लिए जगह नहीं है। ये तुम्हारी माया मैडम कभी खुद टाइम पे आई हैं। मुंबई की बारिश की तरह हमेशा लेट। आई थी ना सर, गर्जी बरसी और चली गई। क्या शूट था ना सर, आधे घंटे पहले। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो हार्ट, क्या बात है भगवान, आज मेरा बड़ा ख्याल रख रहे हो। इस सॉफ्टी के डेमा कब करो? दादा उसको सेंटर में लो। वन सेकेंड प्लीज। ब्रो यू कम इन। One leg up, and hope I can smile. Hello, excuse me. Yes. आप कौन? मैं कौन? मैं फैशन एंड द सिटी का नया फोटोग्राफर। पर ये फोटोज तो परफेक्ट होंगी। आज तक जो फैशन के नाम पे नॉनसेंस बेचा जा रहा था ना, वो आज से बंद। पर ये तो माया मैडम की। अरे तुम्हारी माया मैडम नहीं होगी, साया मैडम होगी। जहाँ देखो भूत की तरह आ जाती है। उनकी छोड़, जो मैं बोलूंगा तो वो सच। माया मैडम तो ऐसी ही बोलती रहती है। हेलो, तुमने बताया नहीं माया, मेरा रिप्लेसमेंट एक जोकर है। लगता है फैशन एंड द सिटी में कोई क्वालिटी कंट्रोल है नहीं। किसी भी राह चलते को फोटोग्राफर बना देता है। बात तो सही की है, शायद इसीलिए चेंज लाने की कोशिश की गई है मुझे हायर करके। मैंने तुम्हें यहाँ एक इंटर्न की जगह रखा। फैशन इन द सिटी में फोटोग्राफर बनने की ना तुम्हारी हैसियत है और ना तुम्हारा टैलेंट, और अब ना ही तुम्हारे पास जॉब। गेट आउट। होता है, रोज एक बिल्ली अपने आप को शेर समझ लेती है और रोज उसकी असली औकात पता चलती है एक दहाड़ के बाद। बाहर जाने का रास्ता मालूम है ना? निकाल लेना। तुम क्या रोज अपना कोटा लेके चलती हो? आज 3 का है, पहले गार्ड, फिर सेक्रेटरी, फिर मैं। कौन करेगा तुम्हारे साथ काम? वो लोग जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जिन्हें अपने काम की कदर है, जिन्हें अपने ईगो से ज्यादा अपने टैलेंट पर भरोसा है, वो लोग जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुत्ता पाल लो, खुश रहो। क्या है? अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या? माया हुई है, जॉब से निकाल रही है मुझको। क्या? भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए उसकी जॉब। तू जा भाड़ में। मैं... गुड मॉर्निंग सर। वो मिस्टर भाड़ में है ना सर, ये क्लाइंट ना वहां जाने की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो मना ही कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हर इंसान भाड़ में जाएगा तो कैसे चलेगा? कभी कभी ना इंसान को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि भाड़ में नहीं जाना कितना जरूरी होता है। अगर आप भाड़ में चले गए तो फिर हमारे पास कौन आएगा, है ना? पागल खाने का केस है। बनना क्या है? मुझे लगा मैं फोटोग्राफर हूँ, फोटो खींचने लगा, लेकिन खड़ूसा है। गेट आउट। वाह क्या बात है, जिंदगी में किसी की बात तो सुनी नहीं, आज उसने मेरा तो सुन लिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भाड़ में जाना आसान है, लेकिन भाड़ में नहीं जाना ना, ये फैसला ज्यादा स्मार्ट है ना? तो मेरे हिसाब से आपको भाड़ में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। सरीना भाड़ने के पास जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। अरे दादा सुट्टो साई, अरे चरी, उसको प्यार से बोलना कि प्लीज भाड़ने के पास मत जाइए, प्लीज। मीठा बोल, मीठा। वो फीलिंग के साथ बोलूं? ओके ओके। प्लीज प्लीज आप भाड़ने के पास मत जाइए, प्लीज मत जाइए ना, प्लीज भाड़ के पास मत जाइए, प्लीज। दस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तू भाड़ में जा और मैं भी भाड़ में जा रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? मुझे भाड़ में जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे मिस्टर भाड़मे के पास जाना पड़ेगा, वो क्लाइंट को लाने के लिए। मैं जाऊँ? हाँ तो जाना, खड़ी क्या है। बाय सर, हैव अ गुड डे, सी यू। भाड़ में जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। भाऊ भाऊ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी। जाके मॉडल्स के कपड़े ठीक करके आ। थैंक यू। वो वाले नहीं, मेल मॉडल्स। सीरियसली? वेलकम टू फैशन इन द सिटी। Get to work. Okay. Yes? क्या आप मेरी जिप लगा देंगे प्लीज? Sure. अरे सुनो, ये बटन तो बंद करो। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो इट्स ओके, मैं किसी और से करवा दूंगी। Okay. Excuse me. Yes. ये Fashion in the City का photoshoot कहाँ चल रहा है? Good job, Perry. Thanks. रास्ता क्लियर करो, माया मैम आ रही हैं। Hi, I'm Dev. अर्जुन को जलाने का अच्छा मौका है। Hi, I'm Saanjh. Hi, I'm Arjun. Oh, sorry, मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। ये तुम्हें इंटरेस्टेड है, पसंद है? वैसे भी तुझे पे मिलने वाला है नहीं, मौका अच्छा बता ले। भाई की तरह क्यों मिल रही है? ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, आराम से मिलो यार। You guys carry on, okay? मिलता हूँ। इंटरेस्टेड है बॉस, enjoy. Thank you. Welcome. So Saanjh, tea, coffee, over me. नहीं, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। Thank you so much. Hey सांझ, अगर हाय हाथ मिलाकर किया है तो जेट एज में बाय के लिए किड्स तो बनते हैं ना। हमारा हाय भी तो हाथ मिलाकर हुआ था। तूने ही तो कहा था कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी। बट लड़की ने कहा ना शी इज नॉट इंटरेस्टेड। उसकी सुनना हीरो। तुम ठीक हो? अर्जुन प्लीज छोड़ना यार, जाने दे। इट्स ओके। अब तुमने लड़का पसंद किया है, रिश्ता तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन प्लीज छोड़ दे यार। अर्जुन प्लीज छोड़ दे यार। हेलो माया, देयर इज अ प्रॉब्लम। गाड़ी घुमा। जब कुत्ता इंसान बनने की कोशिश करे तो उसे फैमिली मेंबर बनाया जाता है। पर जब इंसान कुत्ता बन जाए तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। कल आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर चले जाना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.